हेलो स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है एसएसटी में रूसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे। किस संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि रूसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे। जैसा कि आप जानते हैं, क्रांति के संदर्भ में इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रांति क्या होता है? क्रांति विविध क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन लाता है। जैसे सामाजिक क्रांति हो गया, आर्थिक क्रांति हो गया, राजनीतिक क्रांति हो गया या धार्मिक क्रांति हो गया। सामाजिक क्रांति अगर है तो सामाजिक ढांचे में बदलाव लाएगा, धार्मिक क्रांति है तो धार्मिक व्यवस्था में बदलाव लाएगा, राजनीतिक क्रांति है तो राजनीतिक पूरी व्यवस्था में बदलाव लाएगा। तो इस तरह से क्रांति हुई थी रूस में, और रूस की क्रांति के कारण जो है विविध क्षेत्रों में चेंजेस हुए, बदलाव हुए, बहुत सारा परिवर्तन हुआ, पूरी व्यवस्था बदल गई। तो इस तरह से रूसी क्रांति के पश्चात नई व्यवस्था आई, नया सवेरा हुआ, लोगों को नई एक चीज़ दिखाई दी कि किस तरह से रूस में जो पहले तानाशाही शासन व्यवस्था थी, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था थी, वो समाप्त हो गई और उसके स्थान पे एक नवीन व्यवस्था लागू हुई। तो इस तरह से हम रूसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है किसानों की शोषणीय स्थिति। रूसी क्रांति के में किसानों की शोषणीय स्थिति दयनीय थी। उनकी हालत इस तरह से थी कि ना वो खेतों का आकार बहुत छोटा था, तो ना वे आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर सकते थे, ना ही इतना उपज होता था कि वो कर दे करके कुछ बचा सकते थे और अपना आर्थिक स्थिति को सुधार ला सकते थे। कहने का तात्पर्य है किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही थी, सामंतों का शोषण बढ़ता जा रहा था, शासक जब चाहता था करों में वृद्धि कर देता था। ऐसी परिस्थितियों में किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। अंत में वे विवश होकर के राजा के खिलाफ या शासक के खिलाफ क्रांति में भाग लेते हैं। तो इस तरह से किसानों की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही विपरीत स्थिति थी। अपने इसी स्थिति के कारण वे विद्रोह की स्थिति में बनते हैं, क्योंकि उन्हें सामंतों के द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा था। किसानों को ना ही उन्हें इतना उपज प्राप्त होती थी कि अपनी हालत में सुधार कर सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो इस तरह से किसान भी जो है शासक के खिलाफ आवाज़ उठाए और क्रांति में भाग लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं श्रमिकों की हीन दशा। श्रमिक जो होता है, जब उसे अधिक घंटे तक कार्य कराया जाता है, अधिक घंटे तक श्रम के बदले में उसे जो उचित पारिश्रमिक नहीं प्राप्त होती, तो ऐसे स्थिति में वह विद्रोह की स्थिति में खड़ा होता है। यही हालत रूस में श्रमिकों की थी। उन्हें अधिक घंटे तक काम कराया जाता था, ना ही कोई श्रमिक संघ था, ना हो कोई यूनियन था जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता। श्रमिकों की हीन दशा के कारण उनकी स्वास्थ्य भी गड़बड़ होती जा रही थी। हमेशा अधिक घंटे तक काम कराया जाता था, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में श्रमिक भी जो है शासक के खिलाफ एकजुट हुए और आवाज़ बुलंद किए, और इस तरह से श्रमिक भी किसके खिलाफ उठे? शासक के खिलाफ, और क्रांति में भाग लिए। तीस वर्ग में किसान, श्रमिक, विविध वर्गों के लोगों ने शासक के खिलाफ आवाज़ उठाई। देशभक्ति की भावना से भी प्रेरित थे, नया संदेश भी उन्हें प्राप्त हो रहा था कि किस तरह से एकजुट होकर के हमें इस शासन व्यवस्था से मुक्ति पानी है। तो ऐसी परिस्थितियों में किसान और श्रमिक मिलकर के रूस की क्रांति में भाग लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग रूस की राजनीतिक स्थिति। जब किसी देश में, किसी राष्ट्र में, वहाँ की शासन व्यवस्था में विकार पैदा हो जाता है, शासक जनता के हित में कार्य नहीं करता, जनता के खिलाफ कार्य करता है, प्रशासनिक व्यवस्था में शिथिलता आ जाती है, शासक अकर्मण्य हो जाता है, जनता को आय का स्रोत समझता है कि जब चाहेंगे जनता से आय प्राप्त करेंगे करों में वृद्धि करके, चाहे टैक्सेस बढ़ा करके, जो भी जैसे भी स्थिति में होगी हम अपने आय में वृद्धि कर लेंगे, अपनी स्थिति में सुधार कर लेंगे। तो ऐसी व्यवस्था का बोझ सीधे जनता पे पड़ता है, और जनता जब भी इस व्यवस्था से उबती है शासक के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज़ उठाती है। और ऐसी परिस्थितियों में रूस में भी वही स्थिति हुई, शासक के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और इस तरह से शासक के खिलाफ एकजुट होकर के रूस की राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए। क्योंकि रूस में राजशाही शासन व्यवस्था था, जार का शासन सत्ता इस तरह से था, स्वेच्छाचारी व्यवस्था थी, ना किसी का सुनता था, मनमाने तरीके से शासन करता था, जैसा चाहता था वैसा कर लगाता था, निरंकुश शासन व्यवस्था थी, अनुभवहीन शासक था। इस तरह की कमियां होने के कारण जनता ने जो है शासक के खिलाफ विद्रोह किया और राजशाही शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए विवश हुई। तो रूस का जारशाही शासन व्यवस्था बहुत ही निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, तानाशाह था,
ना ही जनता का सुनता था, ना ही कोई ऐसी ग्रुप था या मंत्रिमंडल था जिसके सलाह पे वो कार्य करता था। उसको लगता था कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी शासक बनते आए हैं, जैसा चाहेंगे मनमानी तरीके से ही शासन करेंगे और जनता पर राज करते चलेंगे। लेकिन ये नहीं जानता किसी भी राष्ट्र का शासक कि जनता के हित के लिए ही राजा बनता है, जनता के सुख के लिए ही राजा बनाया जाता है किसी को, या शासक कोई होता है। अगर वो जनता के खिलाफ कार्य करेगा तो कुछ दिन बाद जनता उसके खिलाफ विद्रोह कर देगी, जैसा कि स्वाभाविक है। शासक को होना से ये प्रजा वत्सल है, प्रजा को अपने पुत्र के समान माने। लेकिन हर देश में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई जहाँ जहाँ शासकों का शोषण बढ़ता गया वहाँ पे जनता का अत्याचार उनके ऊपर बढ़ता गया, और ऐसे विषम परिस्थितियों में जनता ने विद्रोह का रास्ता चुना। तो यही स्थिति रूस में भी होती है। रूस के भी जनता ने जार के शासन से मुक्ति चाहती थी। जार का स्वेच्छाचारी शासन बहुत ही तानाशाही शासन व्यवस्था था, जो हमेशा जनता के ऊपर कर बढ़ाता रहता था। आय का स्रोत के रूप में जैसा जाता था उस रूप में कर बढ़ा देता था। तो जनता का शोषण, किसानों की दयनीय स्थिति बुरी होती गई, और अंत में जार के शासन के खिलाफ लोग आवाज़ उठाने लगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग, विचारकों का प्रभाव। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, किसी राष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में कवियों का, लेखकों का महान योगदान होता है, दार्शनिकों का महान योगदान होता है। जब ये अपने लेखनी के माध्यम से जनता को जागृत करते हैं, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाते हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना जगाते हैं, तो एक लेखक जो है अपनी लेखनी के माध्यम से उस लोगों की उस सोच को चरम पर पहुंचा देता है जो देश को विषय में, देश के बारे में आम लोगों के विषय में नहीं सोचते। लेकिन उसकी लेखनी उस ओर विवश कर देती है कि नहीं, अब स्वार्थ से बढ़ करके राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाइए, राष्ट्र के प्रति सोचिए, आपके कुछ उत्तरदायित्व हैं, कुछ कर्तव्य हैं। इसी क्रम में वहाँ के लेखक, वहाँ के कवि, वहाँ के संगीतकारों ने अपने अपने माध्यमों से जनता को आंदोलित किया कि एक राजशाही शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। एक लेखक का कर्तव्य होता है कि वो अपने राष्ट्र के शासक अगर अच्छा है तो उसकी अच्छाइयाँ लिखे, अगर उसके अंदर कमियाँ हैं तो उनकी कमियों को उजागर करे। तो यही सेम स्थिति रूस में भी हुई। वहाँ के जारशाही शासन व्यवस्था के खिलाफ लेखकों ने, दार्शनिकों ने उस विषय वस्तु में उनको स्थान दिया कि इस तरह से अत्याचारी शासन व्यवस्था यहाँ का जनता का शोषण कर रहा है, इसके खिलाफ लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। अगर एक लोग एकजुट हो जाएं, आवाज़ एक हो जाए सबकी, तो ये जारशाही शासन व्यवस्था समाप्त तो हो सकती है। तो इसी क्रम में, जैसा कि आप जानते हैं कि विचारकों में टालस्टाय और टर्जनेत थे, जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से जनता के हृदय को आंदोलित किया कि किस तरह से आपके राष्ट्र में जारशाही शासन व्यवस्था है, निरंकुश शासन व्यवस्था है, ना अधिकारों की बात होती है, ना स्वतंत्रता की बात होती है, किसी भी रूप में किसी भी लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, सदियों से चली आ रही है शासन व्यवस्था आपका शोषण कर रही है, इस तरह से आप ऐसे शासकों के खिलाफ आवाज़ उठाने का कार्य करें। आपका उत्तरदायित्व है कि ऐसे शासकों के खिलाफ एकजुट होकर के आंदोलन करें, संघर्ष करें और क्रांति लाएँ। ऐसी स्थितियों में इस लेखकों ने, कवियों ने, दार्शनिकों ने अपने लेखकों, लेखनी के माध्यम से जनता को आंदोलित किया। तो इस तरह से दार्शनिकों का भी, विचारकों का भी प्रभाव रहा। टालस्टाय और टर्जने जैसे लेखकों ने भी जनता को आंदोलित किया और उसकी क्रांति लाने में अपना विशिष्ट योगदान दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर देश में चाहे लेखक हो, चाहे कवि हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे मूर्तिकार हो, चाहे कलाकार हो, सबका अपना अपना योगदान होता है। सब अपने अपने क्षेत्रों से जनता को आंदोलित करते हैं, जनता को एक नई दिशा प्रदान करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जनता के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना जागती है, अनुशासन की भावना जागती है, नैतिकता की भावना जागती है, देश के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, देश के लिए हमारा क्या सरोकार होना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर ये लेखक अपने विषय वस्तु में उन समस्याओं को दर्शाते हैं, उन देशभक्ति को, भावना को जागृत करते हैं जिससे जनता एकजुट होकर के राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। तो इस तरह से इन लेखकों, विचारकों और संगीतकारों का विशिष्ट योगदान था। तो इन लेखकों में टालस्टाय और टर्जने प्रमुख हैं, जिन्होंने रूस की क्रांति में अपनी लेखनी का प्रयोग किया और जनता जो है इस दिशा में आंदोलित हुई। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, 1905 की क्रांति। 9 जनवरी 1905 को जनता आंदोलन करती है, जुलूस निकालती है। इसी क्रम में जहाँ की जार शासन व्यवस्था ने, जार शासक ने गोली चलाने का आदेश देता है और ऐसे विषम परिस्थितियों में हजारों लोग मारे जाते हैं, और इस तरह से क्रांति संपन्न होती है। डियर स्टूडेंट, इस विषय वस्तु यहीं समाप्त करते हैं।